1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है। उसके पास टिकट नहीं है, वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर 2 लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट लाए। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलके आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था 1910 में। वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते, टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आके पूछना, यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है, और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया। और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा कि व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई यू आर लाइंग अंडर द सीट। पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े हो। मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछली आधे 50 वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव थे। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1946 में एक नाटक के मंच पर जहां वो अपना प्रयोग दिखला रहा था लोगों में विचार संक्रमित करने का, अचानक पुलिस आके मंच को पर्दा गिरा दिया और लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैसिंग गिरफ्तार कर लिया गया। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डाल के क्रिमिनल ले जाया गया और स्टालिन के सामने मौजूद किया गया। स्टालिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी के दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़ के बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो। तो मैसिंग ने कहा, आप जैसा भी चाहें। तो स्टालिन ने कहा कि कल 2 बजे तुम यहां रहो बंद, 2 बजे आदमी तुम्हें ले जाएंगे मास्को के बड़े बैंक में। तुम क्लर्क को 1 लाख रुपया सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा के ले आओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घेरा गया है। 2 आदमी पिस्तौलें लिए हुए मैसिंग के पीछे ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले जाया गया। उसे कुछ पता नहीं कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा। जाके ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। उसने कोरा कागज उन 2 आदमियों के सामने निकाला, कोरे कागज को 2 क्षण देखा, ट्रेजरर को दिया और 1 लाख रूबल। ट्रेजरर ने कई बार उस कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर 1 लाख रुपया 1 लाख रूबल निकाल के मैसिंग को दे दिए। मैसिंग ने बैग में वापस अंदर रखे
स्टालिन को जाके रुपए दिए। स्टालिन ने कहा हैरानी। वापस मैसिंग लौटा, जाके क्लर्क के हाथ में वो रुपए वापस दिए और कहा मेरा कागज वापस लौटा दो। जब क्लर्क ने वापस कागज देखा तो वो खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया, वो वहीं नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया, उसकी समझ के बाहर होगी बात की क्या हुआ। लेकिन स्टालिन इतने से राजी ना हुआ। कोई जालसाजी हो सकती है, कोई क्लर्क और उसके बीच तालमेल हो सकता है। तो क्रेमलिन के कमरे में उसे बंद किया गया और हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया और कहा कि ठीक 12:05 पर वो सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए। वो ठीक 12:05 पर बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वो स्टालिन के सामने जाके मौजूद हो गए। इस पर भी स्टालिन को भरोसा नहीं आया, और भरोसा आने जैसा नहीं था, क्योंकि स्टालिन की पूरी फिलोसॉफी, पूरा चिंतन, पूरा कम्युनिज्म का धारणा सब बिखरती है। ये एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर दे और सारा का सारा मार्क्सियन चिंतन का आधार गिर जाए। लेकिन स्टालिन प्रभावित जरूर इतना हुआ कि उसने तीसरे प्रयोग के लिए और प्रार्थना की। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वो ये थी। उसने कहा कि कल रात 12:00 मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ बिना किसी अनुमति पत्र के। ये सर्वाधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टालिन जितने गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा। पता भी नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है क्रेमलिन के। रोज कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा ना हो, कोई बम ना फेंका जा सके, कोई हमला ना किया जा सके। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि 5 कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि 6 कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी कि 8 कमरे में है। अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत स्टालिन को थी। कोई पता नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में। स्टालिन की खुद पत्नी भी स्टालिन के कमरे का पता नहीं रख सकती थी। क्रेमलिन के सारे कमरे जिनमें स्टालिन अलग अलग होता था करीब करीब एक जैसे थे, जिनमें वो कहीं भी किसी भी क्षण हट सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में था। ठीक रात 12:00 पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाके स्टालिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन भी कब गए, और स्टालिन ने कहा कि तुमने ये किया कैसे, यह असंभव है। मैसिंग ने कहा मैं नहीं जानता, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि मैं आई एम बेरिया। उस बेरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, स्टालिन के बाद नंबर 2 की ताकत का आदमी। बस मैंने सिर्फ इतना ही भाव किया कि मैं बेरिया हूं, और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे और मैं भीतर आ गया। स्टालिन ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वो रूस में घूम सकता है, और प्रमाणिक 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी, वो सिर्फ मैसिंग के कारण। 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे। कार्ल आटोविच नाम का एक आदमी 1937 में रूस में हत्या की स्टालिन की आज्ञा से, क्योंकि वो भी जो करता था वो ऐसा था कि उससे कम्युनिज्म की जो मटेरियलिस्ट भौतिकवादी धारणा है वो बिखर जाती है। अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टालिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा उस आदमी ने, नामोव ने कहा है कि जो अल्टीमेट वीपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वो ये मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे उस राष्ट्र को अणु की शक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणु बम हो उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वो अपने ऊपर ही फेंक ले।
एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वापस लौट जाए, अपनी ही राजधानी पर गिरा थे। नामोम ने कहा है कि द अल्टीमेट वीपन इन वार इज गोइंग टू बी साइकिक पावर्स।